तो यूपी में विधानसभा चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं और यही वजह है कि सियासी सरगर्मियां काफी तेज हैं। सभी पार्टियां अपने अपने स्तर पर दमखम लगा रही हैं। सत्ताधारी पार्टी बीजेपी की बात करते हैं तो बड़े जोरों शोरों से चुनाव की तैयारियों में जुटे हैं। इसी क्रम में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मिशन पश्चिमी यूपी पर रहेंगे। ये जान लीजिए कि आज अमित शाह सहारनपुर दौरे पर आ रहे हैं, यहां स्टेट यूनिवर्सिटी की सौगात देंगे। उनके साथ सीएम योगी भी मौजूद रहेंगे। वारंका में दोनों नेता बूथ अध्यक्षों को भी संबोधित करेंगे। तो ये सारी चीजें तय हो चुकी हैं, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, तो इंतजार है गृह मंत्री के पहुंचने का, जिनके पास पश्चिमी यूपी और ब्रज क्षेत्र का प्रभार है और इसकी शुरुआत वो कर चुके हैं आज के इस दौरे से, इसकी खबर से। तो किस तरीके से वहां तैयारियां चल रही हैं ये हम जानने की कोशिश करते हैं। हमारे सहयोगी बलराम पांडे सहारनपुर में ही मौजूद हैं। बलराम, ये बताइए कि कौन कौन आ जाने वाला है, किसे किसे संबोधित करने वाले हैं गृह मंत्री और चुनावी मद्देनजर? देखिए स्नेहलता, आज अमित शाह का ये जो दौरा है वो काफी अहम है क्योंकि वो आज राजकीय विश्वविद्यालय की शिलान्यास के बाद जो बूथ अध्यक्ष हैं उनको संबोधित करेंगे और उनके साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे, साथ ही प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जी भी रहेंगे और इसके अलावा कई मंत्री भी शामिल होंगे जिसमें सुरेश राणा और आपके भूपेंद्र सिंह और सूर्य प्रताप शाही जैसे मंत्री भी इस बैठक में शामिल होंगे। और माना जा रहा है कि यहां से पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर के बीजेपी अपनी रणनीति तैयार करेगी क्योंकि बूथ अध्यक्षों को जोश और ऊर्जावान बनाने के लिए आज देश के गृह मंत्री अमित शाह खुद जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। और माना जाता है कि जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हालात हैं और जिस तरीके से किसान आंदोलन हुआ है, सपा बसपा का सपा और आरएलडी का गठबंधन हुआ है, उसको लेकर के जिस तरीके से रणनीतियां तैयार की जा रही हैं उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी को एक अपनी अलग रणनीति तैयार करनी होगी और जो कार्यकर्ता हैं उनको ऊर्जावान बनाना होगा क्योंकि माना जाता है कि अगर कार्यकर्ता उत्साह से भरपूर हैं तो कहीं ना कहीं पार्टी का जोश जमीन पर दिखता है और यही वजह है कि कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए पार्टी की रणनीतियों को बताने के लिए आज ये जो बैठक है बूथ अध्यक्षों के साथ ये काफी अहम है और ये माना जा रहा है कि इस बैठक में रणनीति तय होगी कि आखिरकार। बिल्कुल बलराम, ये रणनीति तय होगी, ये रणनीति बेहद मायने रखती है पश्चिमी यूपी में 5 साल के भीतर जो कुछ भी हुआ, लेकिन ये कह सकते हैं कि अब आने वाले वक्त के लिए घेरेबंदी होगी ताकि वोट बैंक को कन्वर्ट किया जा सके। आपका शुक्रिया बलराम।